आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना अच्छा तारुफ किया मेरी बहन ने, मेरा आमतौर से ऐसा तारुफ मरहूमीन का होता है, लेकिन इन्होंने कबल वक्त मुझे इतनी इज्जती, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद नहीं कि कितने मौाक़े मिले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स कॉन्फ्रेंस में आने के, बेशुमार कम मेरी, लेकिन मेरी खुशकिस्मती की पहली दफ़ा है आप सबके साथ हूँ, मार्टिन गाव के साथ हूँ, आप टीम के साथ हूँ। चूंकि पहली दफ़ा है तो मैं पहले एक दो बातें आपसे पूछ लूँ, फिर मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कराची से भी साथी आए हुए हैं, लाहौर से भी हैं, फैसलाबाद से भी हैं, ये तो पक्के फैसलाबादी हैं, फैसलाबाद तो ये हैं, और गुजरावाला शेखुपुरा और जितने केपी और जो हैं वो सब, वो भी सब साथी हैं, यानी पूरे पाकिस्तान से। मुझे हुक्म हुआ था कि जो आपका जो कैप्शन कह लीजिए या टाइटल कह लीजिए, मौजू कह लीजिए, थीम कह लीजिए, शाही का जहां, और इसके ऊपर कुछ बात करनी है। मुझे नहीं मालूम, मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सब ने ये शेर सुना होगा किसी वक्त, तो शाम में, दोपहर में वहां जाएगी, सुबह से लेकर रात तक दरवाजा खुला होता है, उसको रोशनाई गेट कहते हैं। यहां से मुश्किल 3-4 किलोमीटर, मौसम भी अच्छा है, दौर है, सियासी मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन दिनों का मौसम अच्छा है, उसमें बात नहीं करें। वो जो हुजूरी बाग है उसमें नाना साहब की कब्र है, और अभी कुछ ही दिन पहले वो रिस्टोर हुई है, तो जब जाएं तो फातिहा पढ़ें। इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया कि ये काफी नहीं है कि हम सिर्फ एक मिसरा और मिसरे का भी हिस्सा सिर्फ लगा दें, थोड़ा सा और अंदर जाने की जरूरत है। आप एक लम्हे के सोचिए कि दुनिया में 190 या 195 या 200 ऐसे ममालिक हैं जो खुद मुख्तार हैं, या इंडिपेंडेंट हैं, या आजाद हैं। ये जो ममालिक हैं इनमें से सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिसके वजूद का ख्वाब, जिस खत्ते को तस्वुर इसने किया था, वो कोई जर्नैल नहीं था, वो कोई सियासतदान नहीं था, कोई सियासी लीडर नहीं था, वो एक शायर था। ये हैरानी की बात है, क्या बात कर, क्या वजह बनी कि आखिर एक शायर ही ने तस्वुर किया, दुनिया में कितने शोर हैं, लेकिन एक शायर ने तस्वुर किया कि अभी ये चाहिए, और अभी हम इस मुल्क में मौजूद हैं। एक नमे और आगे जाते हैं कि तो ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि शायद लफ्ज सुन के हमारे जहन में ख्याल आता है कि कोई कस्मत उसी की हालत में कोई होगा, कपड़े फटे हुए होंगे, सड़कों पे कहीं होगा, ऐसा तसव्वुर आता है जहन में। जो यूनानी मिथोलॉजी है, जो ग्रीक माइथोलॉजी है, इंसान की तरोताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, गाफिल आदाब से सुकानी जमी कैसे है, शोक पुस्ता ये पस्ती के मकी कैसे है, इस कदर शोक कि अल्लाह से भी बरहम है, हाज मस्जूद मलाए ये वही आदम है, आलम कैफ है दानाए रूनू से कम है, हाँ मगर इसके असरार से नाम महरम है, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं ना दानों को।
वो पुख्त ख्याली ना रही, वर्क तभी न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गज़ाली न रही, क्या कहने, फलसफा रह गया, तलकीन गज़ाली न रही, मस्जिदे मरसिया कहाँ है, यानी वह नमाज़ी न रहे, यानी वह साहिब औसाफ़े हिजाज़ी न रहे, क्या क्या कहा, बहरे मुसलमान है फकत वादा हुजूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर, अदल है फातह हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिम आए हुआ काफिर को मिले हूर और कसूर, उम्मे हूर का कोई चाहने वाला ही नहीं है, जलवा तूर तो है लेकिन मौजूद है, मूसा ही नहीं है, मूसा ही क्या कहने, ओए होए होए क्या कहने, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन, तुम हो नहीं जिस कौम को परवाह के नशे में, तुम हो बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिलमन, तुम हो बेच खाते हैं जो असलाह के मन, फन तुम हो वो निकु नाम जो कब्रों की तजारत करके क्या ना बेचोगे अगर मिल जाए सनम पत्थर के, जी मनफर एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सत्तर नबी, दीन भी, ईमान मुसलमान, अलमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी, कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी है, क्या कहने, आखिरी दो शेर सुन लीजिए और इनको घेरा लगा लीजिए दिल के साथ, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर किसर काबिले मीरासे पिदर क्यों कर हो, सो मच पीपल आर वेटिंग फॉर द एलिवेटर, देयर मस्ट बी स्टेयर्स, द लिफ्ट इज स्टॉप्ड एट थर्ड, द लिफ्ट इज सो स्लो,